हेलो स्टूडेंट्स, मैं उराम स्वरूप जानी और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल RS एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की सेशन में मैं आज बात करने वाला हूँ लॉ ऑफ मोशन अर्थात गति के नियम। और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ जो मैं आज आपको लैंग्वेज तैयार करवाने वाला, जो थ्योरी तैयार करवाने वाला, उस पर जो फॉर्मूलाज आपको तैयार करवाने वाला, उस पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, अच्छे से उसको समझते हो। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को मैं अंत तक बने रही मेरे साथ, और आज के बाद में कभी आपका गति के नियम में से लॉज ऑफ मोशन जो गति के नियम है उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और अगर आपको ये नोट्स के रूप में PDF डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। PDF मैंने इसका बनाया हुआ है, जो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर आपको ज़रूर से करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा है लीनियर मोमेंटम का। इसमें देखिए, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम में पी बराबर एम वी रहेगा, जिसमें पी इज आपका लीनियर मोमेंटम है, एम मास है और वी वेलोसिटी है। तो पी बराबर एम वी का जो फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम के लिए, वो आपको ध्यान में रखना है, एम मास है, वी वेलोसिटी है। अब देखिए, यहाँ पर नीचे भी इसको डिस्क्राइब किया है, एम मास, वी वेलोसिटी। बट यहाँ पर अगर इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट होती है स्टूडेंट्स की केजी मीटर प्रति सेकेंड। केजी स्टूडेंट्स किसके लिए है? द्रव्यमान के लिए। और मीटर प्रति सेकेंड किसके लिए है? वेलोसिटी, वेग के लिए। बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की। तो डायमेंशन इसका फॉर्मूला वो होता है स्टूडेंट्स, एम वन एल वन टी माइनस वन, एम वन एल वन टी माइनस वन, ये आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है। डायमेंशन फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है, इसकी यूनिट भी पूछी जाती है, तो यूनिट भी याद कर लीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला भी इसका याद कर लीजिए। अब देखिए इसके नीचे, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये है जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर लगाया जा सकता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंपलसरी होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी जी, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन आता है कई बार ऑप्शन में, निम्न में से वेक्टर क्वांटिटी है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें लीनियर मोमेंटम दिया हुआ होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है उसकी जो वेलोसिटी है उसी दिशा में इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी दिशा होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की अपनी, वो है आपका इंपल्स। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अच्छे से कंप्लीट करते हैं। इंपल्स में देखिए, सबसे पहले इसको अपन आवेग के लिए बात करें, तो आवेग बराबर होता है बल इनटू समय। एफ यहाँ पे फोर्स है, टी टाइम है, फोर्स कितना लगा, कितने समय तक लगा, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंपल्स बन जाएगा, आवेग बन जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम में आएगा। उसके बाद में बात करते हैं इंपल्स को, अगर अपन बात करें, बहुत अच्छा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, मैंने दो या तीन क्वेश्चन आपके इस पर हल करवाए हैं, जो अपना RSR YouTube चैनल है उस पर, तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इंपल्स के लिए अगर आपको यहाँ पर निकालना हो, अगर ये फॉर्मेट काम में नहीं आ रहा हो, तो उस समय m v माइनस यू, क्योंकि v माइनस यू जो वेग है उसमें परिवर्तन है, और m यहाँ पर आपका द्रव्यमान दिया गया है। तो यहाँ पे अपन इसको चेंज कर सकते हैं वैल्यू में, और इस फॉर्मूले से भी आप यहाँ इंपल्स फाइंड आउट कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, एम वी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, मतलब फाइनल वेलोसिटी वी है और इनिशियल वेलोसिटी आपकी है यू है, और एम इसका मास है, द्रव्यमान है। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा काम में आता है स्टूडेंट, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखिए इसकी थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी में क्या रहा नीचे, थ्योरी मारा स्टूडेंट देखिए, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन इंटू सेकेंड, इसकी जो एसआई यूनिट होती है न्यूटन इंटू सेकेंड होती है, क्योंकि यहाँ पे इसका बेसिक फॉर्मूला क्या लिख बताया आपने अभी, एफ इंटू टी बल इंटू समय, तो इसका कौन जो फॉर्मूला यूनिट बन गई होगी न्यूटन इंटू सेकेंड। और इसका दूसरा यूनिट होता है, होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड, जो अभी दूसरे वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं, एम का मतलब केजी और जो वेलोसिटी आएगा उसका मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। एंड इट्स इज डायमेंशन इज, जो इसकी डायमेंशन है वो है एम वन एल वन टी माइनस वन, इसकी जो डायमेंशन है वो वही डायमेंशन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया स्टूडेंट्स, लीनियर मोमेंटम जिसको अपन पीछे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसकी डायमेंशन इसकी डायमेंशन सेम होती है। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एक्स ग्रुप में, कि निम्न में से कौन सी जो राशियां हैं जिनकी जो डायमेंशन है वो सेम है, सेम डायरेक्शन डायमेंशन वाली जो क्वान्टिटीज है उनको फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पर लीनियर मोमेंटम और आपका जो इम्पल्स है वो दिया हुआ मिलता है आपको। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। नीचे लिखा है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस दिशा में फोर्स अप्लाई होगा उसी दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी, बल की दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी आपके इंपल्स की। अब बात करते हैं स्टूडेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो लॉ है उनकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज के रूप में, वो क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, ए बॉडी कंटिन्यूस इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन्स अनलेस अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ये कह रहा है कि जब तक जो न्यूटन का गति का आपका प्रथम नियम है, कि जब तक कोई वस्तु गतिशील अवस्था में या स्थिर अवस्था में है, तो तब तक
वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं करती है, कोई रिएक्शन नहीं करती है जब तक उस पर बाहर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाया जाता, बाह्य बल नहीं लगाया जाता। वो गतिशील है तो गतिशील बने रहना चाहती है, अगर स्थिर है तो स्थिर बने रहना चाहती है। तो इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। सेकेंड की बात करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, जो मोमेंटम है उसके जो परिवर्तन की जो दर है, रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जो परिवर्तन की जो दर है संवेग में वो अप्लाई फोर्स के बराबर है, लगने वाले बल के बराबर है। तो नीचे फॉर्मूला देख सकते हो आप, ए बराबर डी पी अपॉन डी टी या डेल पी अपॉन डेल टी। ये डेल पी संवेग में परिवर्तन है और डेल टी समय, तो संवेग में परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होगी। और ए बराबर स्टूडेंट्स अपन ऑलरेडी जानते हैं ए बराबर क्या होता है, एम ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ बन गया जो न्यूमेरिकल में काम में आएगा, ध्यान से इसको क्लियर कर लीजिए। एफ बराबर डी पी अपॉन डी टी संवेग में परिवर्तन की दर इक्वल टू एम ए द्रव्यमान इंटू त्वरण मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डेल टी। अब देखिए थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल शॉर्ट में इसने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर देखिए कोई भी वस्तु है वो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप कोई भी जितना फोर्स जितना बल लगाओ किसी वस्तु पे उतना ही बल आपको विपरीत दिशा में देखने को मिलेगा। ये आपको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको कहते हैं। तो ये आपका थर्ड लॉ हो गया। अब बात करते हैं आगे मोशन इन लिफ्ट, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, और एक्स ग्रुप में डबल ए में आपके एनडीए तक में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं लिफ्ट को लेकर। तो इसको इस कॉन्सेप्ट को आज क्लियर कर लीजिए, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको लाइक करने के लिए नहीं मिलने वाली, क्योंकि आगे सारे कॉन्सेप्ट में और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। तो मोशन इन लिफ्ट में से कोई भी क्वेश्चन आया वो गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए वैन लिफ्ट पहला ऑप्शन जो कॉन्सेप्ट है जिसकी बात करते हैं, वैन लिफ्ट इज स्टेशनरी ऑन ए मूव ऑफ डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट अपीरेंट वेट एज फेल्ट बाई द पर्सन इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। अगर वो निश्चित वेग के साथ जा रही है तो जितना उसका वेग है उतना वेग उसको महसूस किया जाएगा, उसके वेग में कमी या वृद्धि नहीं होगी, ना वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, पहली चीज। उसके बाद बात करते हैं नंबर टू, वैन ए लिफ्ट मूव विथ एक्सेलरेशन, जब कोई लिफ्ट है वो एक्सेलरेशन त्वरण के साथ अगर मूव कर रही है, चाहे वो ऊपर जा रही हो चाहे वो नीचे जा रही हो, अगर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है देन उस स्थिति में यहाँ पे देखिए प्रतिक्रिया बल, वैन लिफ्ट मूव्स अप, अगर ऊपर की ओर जा रही है, पहली स्थिति ऊपर की ओर जा रही है तो देखिए आर इक्वल टू एम जी होता है स्टूडेंट्स, एम जी, लेकिन जी प्लस ए, यहाँ पे जी गुरुत्वीय त्वरण है और ए आपका एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे आर इक्वल टू एम जी प्लस ए हो गया। इस स्थिति में देखिए क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, देन द पर्सन फील्स हैवियर, अगर ऊपर की ओर जा रही है तो अपने आप को बहुत भारी महसूस करेगा, क्योंकि आर इक्वल टू जो रिएक्टेंट जो फोर्स है, जो प्रतिक्रिया का जो बल लग रहा है वो लगेगा आपका एम जी प्लस ए, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। थर्ड आपका ऑप्शन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, वैन द लिफ्ट मूव डाउन नीचे की ओर विथ एक्सेलरेशन, त्वरण के साथ अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है तो उस स्थिति में आर इक्वल टू एम जी माइनस ए, और ऐसी स्थिति अगर आती है तो सो द पर्सन फील्स लाइटर, इस स्थिति में जो पर्सन है उसका जो वेट है उसको कम महसूस होगा, लगेगा कि उसका वजन कम हो गया है, हल्का महसूस होगा। तो लिफ्ट नीचे आ रही है तो हल्का महसूस होगा, लिफ्ट ऊपर जाएगी एक्सेलरेशन के साथ त्वरण के साथ उसको भारी महसूस होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन आ सकता है, याद आएगी मेरी बाद में, क्लियर कर लेना इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नंबर फोर, वो पॉइंट आपका नंबर फोर्थ पॉइंट आपका, व्हेन लिफ्ट मूव्स डाउन विथ एक्सेलरेशन जी, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ कन्फ्यूजन ही रहना चाहिए। अगर लिफ्ट नीचे की ओर गति कर रही है, मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन है जी, जी गुरुत्वीय त्वरण के साथ, तो उस स्थिति में ए पर्सन स्टैंडिंग इन इट, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे लिफ्ट पे खड़ा है तो ही फील वेट लेसनेस, मतलब वो बाहरहीनता की स्थिति आ जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, अगर लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है और उसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है तो उस पर कोई भी अगर व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है तो उसको भार जीरो महसूस होगा, वो आपको बिल्कुल बाहरहीनता की स्थिति में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए मोशन इन रॉकेट, रॉकेट की बात करते हैं, रॉकेट में कैसे मोशन हो रही है, गति कैसे हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम, किसी भी समय अगर आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है रॉकेट की टी टाइम पे तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा वी इक्वल टू यू लॉग ई एम नॉट अपॉन एम, यहाँ पे यू जो है वह एग्जैक्ट स्पीड ऑफ बंट जो गैसें वहाँ पे जल रही है बाहर पीछे की ओर, उन केसों के लिए वेग है यू एम नॉट
आपका इनिशियल मास ऑफ रॉकेट जो पहले का द्रव्यमान है वो है एंड एम मास ऑफ रॉकेट एट ए टाइम टी, कुछ समय बाद टी समय के बाद में जो द्रव्यमान है वो एम, शुरुआत में जो द्रव्यमान है वो एम नॉट, और यू जो गैस उसमें से निकल रही है रॉकेट में से उसका वेग है। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल के रूप में बन सकता है। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आपका सेकेंड पॉइंट इसका थ्रस्ट ऑन द रॉकेट ऑफ एफ, अगर बल की बात करते हैं लगने वाले फोर्स की बात करते हैं तो एफ इक्वल टू माइनस यू डी एम अपॉन डी टी, डीएम अपॉन डी टी द्रव्यमान में परिवर्तन की दर, और यहाँ पे माइनस का यू जो गैसों का वेग है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेर डीएम अपॉन डी टी मास ऑफ ब्रंट गैसेस स्पेंड पर सेकेंड, मतलब प्रत्येक सेकेंड जो द्रव्यमान में कमी हो रही है स्पेंड कर रहे हैं उसको, खर्च हो रही है जो कमी आ रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लिया गया, नेगेटिव साइन लिया गया, तो बता रहा है कि लगातार उसका द्रव्यमान कम हो रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट आपके ऑप्शन में, क्वेश्चन में टॉपिक में देखिए वो क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये गन का जो क्वेश्चन है बुलेट के लिए लेकर, तो यहाँ से देख लीजिएगा। अगर V2 आपको वेग फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे M1 V1 अपॉन M2, ध्यान दीजिएगा माइनस M1 V1 अपॉन M2 जो दूसरा आपका ऑब्जेक्ट है उसको डिवाइड करना है विथ मास के साथ। यहाँ पे देखिए M2 मास ऑफ गन और M1 मास ऑफ बुलेट एंड V1 वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो यहाँ पे V1 आपको बुलेट का वेलोसिटी दिया जाएगा, M1 बुलेट का मास दिया जाएगा, और M2 आपकी जो गन है उसका मास दिया जाएगा, और V2 आपको जो पीछे की ओर गन जाएगी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होगी, धक्का लगेगा आपको, उसका वेग आपको V2 फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स नेवी डबल ए के लिए, और आपका एस एस आर में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट एनडीए के लिए और एक्स ग्रुप के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा ये क्वेश्चन, यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवाया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पे बात करते हैं किसी पुली के लिए लेकर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को लटकाया हुआ है उसके लिए, तो अनइक्वल मास एम वन ग्रेटर देन एम टू, यहाँ पे दो मास है एम वन एम टू जिसमें एम वन ग्रेटर देन एम टू है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए पुली, एक पुली के साथ उनको सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया है, देन एसेलरेशन ए, अगर एसेलरेशन ज्ञात करना हो इस स्थिति में तो आएगा ए इक्वल टू एम वन माइनस एम टू बटा एम वन प्लस एम टू इंटू जी, मतलब बेसिक फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स ए बराबर एम जी, जिसमें एम ऊपर दोनों का अंतर, नीचे दोनों का योग, और जी गुरुत्वीय त्वरण, यहाँ से उसको गुणा कर देना। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला याद करने के लिए कि ए इक्वल टू एम वन माइनस एम टू बटा एम वन प्लस एम टू गुणा जी। अगर बात करते हैं टेंशन की, तनाव की, जो पुली यहाँ पे आपको नजर आ रही है उस पुली में अगर तनाव टी फाइंड आउट करना हो तो उस स्थिति में देखिए ऊपर दोनों द्रव्यमानों का गुणा कर दीजिए, नीचे दोनों का योग कर दीजिए, और साथ में जी यहाँ पे आ ही रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट के साथ आप इस फॉर्मूले को क्लियर करिए। यहाँ पे अगर एसेलरेशन निकालना है ऊपर अंतर नीचे योग और गुणा जी, अगर आपको यहाँ पे टेंशन टी फाइंड आउट करना है तो ऊपर दोनों का गुणा टू के साथ टू एम वन एम टू, और नीचे दोनों का योग गुणा जी यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के रूप में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स पुली वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार आपको यहाँ से पूछा गया है, तो स्टूडेंट्स आज मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर कर दिए, अब इसका मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा, तो वीडियो को अगर पूरा समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख डालिए, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर डालिए अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और ना ही आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चन गलत होगा अगर सारे क्वेश्चन आपने या कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो। तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे एक प्रैक्टिस सेट के साथ, ऐसे एक थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट के साथ, एक ऐसे वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।